हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है मिसिंग नंबर सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम में, जिसका वेटेज है मिनिमम 5 मार्क का वेटेज है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क का वेटेज। इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करता हूँ। टोटल 5 क्वेश्चंस लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम, ठीक है। दस प्रॉपरली आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 8 47 19 6 38 589 मिसिंग 10 555, ठीक है। सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, प्लस काफी स्मूथली वेरन हो रही है। सपोज सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो, प्लस काफी स्मूथली वेरन हो रही हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। 840 840 माइनस 719, तो मुझे 121 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 719 माइनस 638, मुझे 81 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और 638 माइनस 589, तो मुझे 49 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 121 81 49, ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, अगला होना चाहिए 5 का स्क्वायर यानी 25। तो 589 माइनस 25, तो 564। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर मिला, वो मिला मुझे 564। ओके, डिफरेंस लिया 121 81 49, 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सारे के सारे और नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे। 5 का स्क्वायर 25, 589 माइनस 25 किया, 564 मिला। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसिंग टर्म 14 31 97 343 1971, 14 का डबल के आसपास की वैल्यू दिख रही है, 31 का ट्रिपल के आसपास की वैल्यू दिख रही है, 97 के 4 गुना के आसपास की वैल्यू दिख रही है, 343 के 5 गुना के आसपास की वैल्यू दिख रही है। तो मल्टीप्लाई का पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। 14 2 28 3 31, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 करो तो 97 मिलता है, 97 को 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 5 करो तो मुझे 343 मिलता है, कंफर्म। और 343 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करो प्लस 6 करो तो मुझे 1971 मिलता है। क्रॉस चेक कर सकते हो आपको, 5 3 15 प्लस 6 1, आखिरी डिजिट 1 आता है, तो 1971 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है प्लस कितना करना है, 2 करना है, तो यहाँ पर कितना होगा, 12 1 12 प्लस 2 14, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। ओके, आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 14 116 239 404 632, ओरली देखिए काफी कम डिफरेंस दिख रहा है, फिर धीरे धीरे डिफरेंस कम होते चल रहा है। तो 116 में से 14 माइनस किया तो कितना मिलेगा, 104, कंफर्म। इसमें 239 में से 116 माइनस किया तो कितना मिलेगा, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 123 मिलेगा, 14 माइनस 9 5 आ जाएगा, 10 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 165 डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद 12 माइनस 4 आ जाएगा 8, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 228 मिलेगा मुझे डिफरेंस। सिंगल डिफरेंस में मुझे नहीं समझ में आया तो मैं डबल डिफरेंस लेके चेक कर रहा हूँ, 123 माइनस 4, तो यहाँ मुझे मिलेगा 119, यहाँ मुझे 19 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 65 माइनस 23, यहाँ पर मुझे मिलेगा 20, तो यहाँ 42 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 42 के आसपास की वैल्यू दिख रही मिल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 228 में से अगर 165 माइनस करूँ तो मुझे कितना, 8 माइनस 5 3 मिलेगा, 12 माइनस 6, यहाँ 63 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न क्या चल रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 116 में से 114 माइनस किया तो 6 माइनस 4, यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, और 11 माइनस 1 10, 102 मिल गया, ठीक है। 9 माइनस 6 3 मिला, 3 माइनस 2 2 एज इट इज 2 माइनस 123 यहाँ डिफरेंस मिल रहा है, तो 23 माइनस 2 करो तो मैं थिंक 21 का डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 42 मिलता है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करने से मुझे 63 मिलता है, ठीक है, आया समय। तो हमें क्या फाइंड करना है, शायद यहाँ ये वाला मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए 21 को 2 से मल्टीप्लाई 42 मिला, 42 को सब में डिफरेंस 21 का डिफरेंस दिखने वाला, 63 में अगर 21 में प्लस करो तो मुझे कितने मिलता है, 84 मिलता है, तो 228 में 84 प्लस करो तो 8 प्लस 4 12 आ जाएगा, 2 प्लस 8 10 प्लस 1 11 एंड 2 का 3 312, 312 में 632 ऐड करना है तो कितना मिलेगा, 944। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर जो मिला वो मिला मुझे 944। ओके, ये मिसिंग टर्म मैं लिखना भूल गया था, ओके, तो 944 मिला। सिंगल डिफरेंस लिया था 102, 123, 165, डबल डिफरेंस लिया 21, 42, 63, 21 का टेबल चल रहा है, 21 × 2 = 42, 21 × 3 = 63, 21 × 4 = 84, 228 में 84 ऐड किया तो मुझे कितना मिला, 312, 312 में 632 को ऐड किया तो मुझे 944 मिला, ठीक है। इसी तरह मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो मिला वो मिला मुझे 944। ओके, चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मिसिंग टर्म
513, 537, 752, 800 एंड 1311। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस काफ़ी स्मूथली रन हो रही है, तो हमें डिफरेंस लेके चेक करते हैं। ठीक है, 7-3, 4, 2, 3-2, 24 का डिफरेंस यहाँ पर। ठीक है, 12-7, 5 आ जाएगा, 4 यहाँ 15 का डिफरेंस है, सॉरी 215 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10-2, 8 आ जाएगा, 9-5, 4 आ जाएगा और यहाँ 48 का ही डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर 1-1 तो यहाँ पर 5-1-1 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी देखिए 5 का स्क्वायर -1, 6 का क्यूब -1, 7 का स्क्वायर -1, ठीक है, और 9 का क्यूब -1। ओके, आया समय, तो यहाँ पर देखिए 9-7-6-5, यहाँ 4 का क्यूब स्क्वायर है, तो यहाँ 4 का क्यूब -1, तो 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब कितना 64, 64 -1 63, तो यहाँ पर 63 होना चाहिए था। ओके, तो 63 मुझे शायद इसमें माइनस करना है ना, नहीं इससे माइनस करना। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 450, तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 450। ओके, डिफरेंस लिया, सब स्क्वायर क्यूब ऐसा पैटर्न चल रहा था। ठीक है, चलते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, अगला 17 का स्क्वायर यानी 289, तो 17 का स्क्वायर क्या था 289। ओके, तो इसी तरह मेरे टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। इन टोटल 5 क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट आए या फिर क्वेरी आए मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।